सारे मिसाले जो है हमने डाल दिए हैं। अब आखिरी मिसाला है जिसको नमक बोला जाता है। अब जो है हम इसमें चिकन ऐड कर रहे हैं। चलो जी चिकन को देखो कैसे बड़े कर। माशाल्लाह जी रोटी जो है कंजेर में रख दी है, सालन तो रेडी हो चुका है। माशाल्लाह जी बहुत अच्छा, और शोरा भी मिक्स बनाया है ना। हाँ जी। चले जी आपकी रोटी आ गया नीचे, पता नहीं क्या आ गया था, डोंगी पता नहीं क्या था। हाँ मेरे ख्याल में डोंगी के पैरों पर मैं चढ़ चुका था। इतने डोंगी है कोई ले नहीं जाता, पता भी नहीं चलता, पैरों तले आ जाते हैं। पाले ना आपने? नहीं पाले नहीं, बस ऐसे आके टिक जाते हैं, पता नहीं इधर खाना बहुत मिलता है पता नहीं क्या। चलें जी बिस्मिल्ला करें, खाना शुरू करें, खा लें। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई भाइयों, जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, हंसते और मुस्कुराते रहो, फुलू की तरह। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक ठाक हैं। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शफा अता फरमाए, जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको नेक औलाद दे। जो हमारे चैनल पर न्यू आ चुके हैं वो हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। चलते हैं इसी दुआ नाल व्लॉग की तरफ। आज शाम का वक्त है, सूरज भी तुलू होने वाला है, तकरीबन आधा मुना घंटा रह चुका है। तो माशाल्लाह अभी हम बना रहे हैं चिकन की रेसिपी, तो इंशाल्लाह बनाएंगे, आपसे शेयर भी करेंगे कि चिकन कैसे बनाया जाता है और कैसे खाया जाता है। इमिना जी अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, हंसते और मुस्कुराते रहो, फूलों की तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, घर में बच्चे भी सब ठीक है, अब सब बहन भाइयों की दुआ है। तो शाम का वक्त हो चुका है, अभी चानू को डाला भी, चारा भी डाल दिया। अच्छा जानू को डाला, डाला भी डाल दिया, चारा भी डाल दिया, ठीक है जी। चारा भी डाल दिया, अभी मैं बना रही हूँ चिकन की रेसिपी, मुर्गी की भाजी। हाँ अच्छा, तो इंशाल्लाह आप बहन भाइयों को शेयर करूँगी, ठीक है जी। तो रहना है हमारे साथ, क्यों बे सारे 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 नाल नाल बदे रहे। तो मैं क्या कहती हूँ सर, एक ही आँख। अच्छा तुसा सारे नाल बदे रहे, सारे प्यारे बहन भाई, असा तो आपको आधे प्यूँ, आज ऐसा बने तो प्यू कुकर दी भाजी। तो इंशाल्लाह जी मैं बने सू, आप बहन भाई को लिखे सो, ठीक है शेयर करे सो। हाँ वाला शेयर भी करे सो। अच्छा। तो क्या चीज है की में बन रही है, ठीक है जी। हाँ ये है, एक तो होती है देसी मुर्गी, हाँ। ये है फार्मी मुर्गी जो फार्म से बिकती है। हाँ। हाँ। पलती है, पलती है, पलती है, बिकती है, सही है। तो हम वो बना रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपको दिखाएं, ठीक है जी। हाँ। अभी करते हैं शुरू, अभी करते हैं शुरू, जाती हूँ बेंदी पैया चोलते गंजोल। हाँ, रखे था जानी पे चोलते। हाँ ये चोल पे आ गई हूँ मैं। हाँ। ये रखे नहीं पैया बोला पीछे, आप बहन भाइयों को लिखे सा, ठीक है की में बन दी है मुर्गी, ठीक है। हाँ जी चिकन, ठीक है जी। मैं आता के चूल्हे आग लग गई हो सी, तू अजा शापर वदी चुन दी। अभी शापर ढूंढ रही हूँ। अच्छा आग जलाने की कोशिश नहीं है ना। हाँ जी दवाई ले आए हो अरीशा के लिए? जी ले आया। मिल गई टूप? हाँ जी माशाल्लाह जी, दो टूपे मंगवाई हैं, वो अक्सा को उठा के दे दिया है। हाँ ये वाली है ना। हाँ वो खेल रही है, सही है। अभी कितनी देर है? अभी चलते हैं, पहले चिकन को अच्छी तरह धो लेना है। हाँ। चलो ले आओ, जल्दी करो जल्दी, टाइम नमाज का होने वाला है मगरब का, फिर वीडियो मुकम्मल तो हो जाए। हाँ जल्दी करो। अभी जी माशाल्लाह नल के नीचे आ चुके हैं, नीचे नल के, नल हमारे ऊपर खड़ा है, हम नीचे बैठ गए हैं। तो अब इसमें चिकन जो है धोना स्टार्ट करेंगे। माशाल्लाह जी एक एक पीस करके ना इन्हें अच्छी तरह धो लेना है, सही है, अच्छे तरीके से, ताकि हमारा चिकन जो है अच्छे तरीके से पक जाए, बन जाए और खाने में लजीज और करारा हो। हाँ ये देखें जी, वैसे भी जिस बंदे से मैं बनवाता हूँ ना वो बहुत अच्छा बना देता है। इसका जो मैं उसको कहता हूँ 50 रुपया जायद ले लिया करो, इसकी चर्बी वगैरह टोके से, हाँ टोके से उतार, सफाई कर दिया करो, धोने में जो है मुश्कत ना हो, साफ सुथरा बन जाए ये। हाँ इंशाल्लाह। हाँ धोने में आसानी होती है, आसानी होती है, जल्दी धुल जाता है। बुशरा भी आपका साथ दे रही है। हाँ, वो अपना मूड हो रही है। अच्छा अच्छा चिकन मैं के धुला रही है।
वो अपना मुंह धो रही है, सही है। वो पहले मिट्टी में खेली है ना, खेल खेल के फिर हाथ मुंह धोना शुरू कर दिया है। अभी जी माशाल्लाह पतीला ऊपर रख दिया है, अब जो इसमें घी ऐड हो रहा है ये देखें, अभी अभी 1 किलो घी का मंगवाया है, तो घी भी गर्मी से ये देखें आयल बना हुआ है। और आयशा बेटी जो है मसाले भून रही है, जब मसाले भून जाएगा ना फिर जो है चिकन उधर इसकी अम्मी धो रही है। आज चिकन धुलेगा कि नहीं धुलेगा? हाँ जल्दी करो ना। चलें जी, घी ऐड हो गया, घी गर्म होने तक फिर इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। माशाल्लाह जी चिकन अच्छी तरह धो लिया है ना, माशाल्लाह बहुत रंगत और खूबसूरत नज़र आ रहा है। हाँ जैसे फ्रेश फ्रेश अभी अभी बनवा के आए हैं। लेकिन मैं ये दोपहर को बनवा के आया था ना। हाँ, इनको 2 घंटे हो गए। 2 घंटे हो चुके हैं ना। हाँ, तो फिर इसकी रंगत देखो कैसा बना हुआ है, कि हाँ, कच्चा खा जाए। हाँ, चलो जी, घी आवाज़ें दे रहा है मेरे ख्याल में। हाँ, हल्की हल्की सी। तो हाँ, अब इसमें हम टमाटर मिर्ची प्याज ऐड कर देंगे। हाँ, ये देखें जी, ये जो ऐड कर दिया है इसको थोड़ी सी देर बाद टमाटर ऐड करना है। हाँ माशाल्लाह जी, मिसाले हल्के से बिरौन हो चुके हैं, अब इसमें हम टमाटर ऐड कर रहे हैं। माशाल्लाह जी ये देखें, टमाटर जो हमने ऐड कर दिया है, इन्हें अच्छी तरह बिरौन कर लेंगे, फिर इसमें गरम मिसाले और लाल मिर्ची और लहसुन भी कूटा रखा है ना। वो भी डालना है। वो कब डालना है? वो तो पहले डाला जाता है ना। वो ऐसा भूल गई थी, पहले डाला जाता है घी। हाँ, जब गर्म हो। हाँ जी, हाँ ऐसे भी डाला जाता है। चलो लाल मिर्ची ऐड करता है तो फिर भी डाल सकते हैं। चलो सही है, जैसे आपकी मर्जी। माशाल्लाह जी, मिसाले हमारे अच्छे तरीके से बिरौन हो चुके हैं, अब जो है इसमें गरम मिसाले ऐड हो रहे हैं। देखते हैं कौन कौन से मिसाले आज डालते हैं। तो ये देखें, मिसाले भी मेरे ख्याल में ख़त्म हो गए। पहले हल्दी का चम्मच डाल दो। हाँ, क्योंकि वो ज़्यादा पड़ी है। हाँ, माशाल्लाह जी, 1 चम्मच हल्दी का और सूखी मेथी। हाँ, कसूरी मेथी। हाँ, लाहौर वाली। अच्छा जी, लाहौरी खाते हैं। हाँ, और थोड़े से गरम मसाला, वो भी खुशबू के लिए, ज्यादा नहीं डालते। हाँ, ज्यादा नहीं डालते। हाँ मसाले हम अब लाल मिर्ची। हाँ जी, चलें जी, अभी लाल मिर्ची ऐड होगी। तो माशाल्लाह आज जो रेसिपी बनने वाली है बहुत ही मज़ेदार और करारी और खुशबूदार वाली, क्योंकि मसाले ऐड कर दिए हैं ना सारे। हाँ, जिस बहन भाई ने खाना है अभी हम बना रहे हैं, जल्दी जल्दी से आ जाए, इकट्ठे बैठ के आज ये चिकन खाएँगे। बस सारे मिसाले जो है हमने डाल दिए हैं। अब आखिरी मिसाला है जिसको नमक बोला जाता है। हाँ, वो जो है ऐड हो रहा है। हाँ, ये देखें, अब इसको सब मिसालों को अच्छी तरीके से भून लेंगे। हाँ, फिर हम आखिरी जो है इसमें चिकन ऐड करेंगे। हाँ, और लहसुन भी बचा रखा है, इसको अभी भी भूल रहा था, वो भी ऐड कर रहे हैं। थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट बना के डाल दो। अभी जी पेस्ट बनना स्टार्ट हो चुका है। अब जो है पेस्ट बन चुका है, अब जो है ये मिसालों में ऐड हो रहा है। ये देखेंगे अब रेसिपी कैसे बनने वाली है, ज़बरदस्त बनने वाली है। चलें जी, जब चिकन ऐड करें हमें बताना। अब हम सोने जा रहे हैं। माशाल्लाह जी, मिसाले जो है हमारे अच्छे तरीके से भुनी चुके हैं, अब जो है हम इसमें चिकन ऐड कर रहे हैं। माशाल्लाह ये देखिए, चिकन जो है ऐड कर दिया है। अब इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, हाथ से पकड़ा क्यों हुआ है आपने? पतीला गिर ना जाए। हाँ, ऐसे गिर जाएगा? कितनी, 5 किलो चिकन डाल दिया है, वजन से ऐसे गिर जाएगा? हाँ, एक साइड से जब होएगा खत्म। हाँ, ऐसे नहीं होगा, चम्मच से एक पाव भी नहीं उठाया जाता चम्मच से। हाँ चलो ठीक, कोई बात नहीं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह चिकन हमारा ऐड हो चुका है, तो अभी उसको अच्छी तरह मैश कर दिया। तो इंशाल्लाह
इसको दम लगा दिया। अभी कितनी देर बाद ये चिकन रेडी होगा? 10 मिनट लगेंगे। जल्दी गल जाता है ये, जल्दी बनता है। फिर आप आटा गूंदो, रोटी पकाना स्टार्ट करते हैं। सही है, माशाल्लाह जी। चिकन को देखो कैसे बड़े कर रहा है, और इधर जो है आटा गूंदना स्टार्ट कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ना जी, हाँ जी। माशाल्लाह आज आटा थोड़ा क्यों गूंद रही हो? अभी तक खाना खाया है चावल के साथ। थोड़ा थोड़ा खाना है, हाँ। ज्यादा चिकन खाना है, रोटी कम खानी है? कम खानी। सही है, हाँ। ये भी बेहतरीन बात है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज मगरब जो है अदा करके आ चुका हूँ। अभी देखते हैं चिकन हमारा रेडी हुआ है कि नहीं हुआ। तो रोटी भी मेरे ख्याल में थप थप हो रही है, वो भी आपसे शेयर करते हैं। तो माशाल्लाह मेरे ख्याल में रोटी तो बन रही है। कितनी रोटी बन चुकी है? अभी दूसरी रोटी बना रही हूँ। चिकन रेडी हो चुका है? इंशाल्लाह चिकन भी रेडी हो चुका है। मैं भी अभी नमाज पढ़ के आई हूँ, पहली रोटी बना रही हूँ। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। सब बरकतें होंगी, नमाजें पढ़ा करो, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बरकत देगा। हाँ, ये देखें जी, चिकन भी रेडी हो चुका है माशाल्लाह। तो अभी रोटी भी पक रही है इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह फिर खाएंगे, आप बहन भाइयों से शेयर भी करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, और इधर बुशरा क्या कह रही हो, क्या हुआ? कहते पैसे दे। ये तो चूटियाँ मूटियाँ बांध ली, ड्रेस मेस भी पहन लिया, पैसे मांग रही हो? अभी नहा कर तब्दील किए थे कपड़े। अच्छा, अभी नहा के तब्दील किए हैं। ये लो 20 रुपए का लोट, तो ले जाओ, 10 की चीज ही ले आओ। माशाल्लाह, इधर शायद बेटा वापस आ चुके हो? हाँ जी। अंधेरा तो खत्म यो शुरू हो गया है। खत्म हो गया है। हाँ, वो देखें लाइटें भी बाल रही हैं। हाँ। अभी आपकी सास जो है रोटियां पका रही है। हाँ जी। और रोटी खाना है, रोटी खा के फिर चले जाओ। सही है, सही। और अक्सा को देखो, अक्सा खेल रही हो? अक्सा बोलो, कहना कहना। ओ ढांदी है। चले जी, रोटी तो आ चांद है, तो रोटी खा गो, पीछे तो आपको इजाजत मिलती है। ठीक है, हाँ हाँ जी। रोटी बन चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो दो उनको, अंधेरा हो रहा है, वो तो खा लें, हम तो घर के इधर खा लेंगे ना इंशाल्लाह। वो कंजेरे उठाने का। कितनी रोटी पक चुकी है? माशाल्लाह बहुत पक गई है। बहुत पक गई है ना, गिनती नहीं किया। हाँ चलो, उनको दो, ले आओ प्लेटें, ले आओ जल्दी करो। शाबाश, माशाल्लाह जी। रोटी जो है कंजेर में रख दी है, अब देखते हैं सालन तो रेडी हो चुका है माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा। और शोरा भी मिक्स बनाया है ना? हाँ जी, बहुत ही जबरदस्त है। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। मजेदार खुशबू आ रही है, मिसाले डाले है ना। चले, ये आयशा और शायद को दे देता हूँ। हाँ, सही है। हाँ जी, हाँ जी। चले जी, आपकी रोटी आ चुकी है। नीचे पता नहीं क्या आ गया था, डोंगी था पता नहीं क्या था। हाँ, मेरे ख्याल में डोंगी के पैरों पर मैं चढ़ चुका था। अच्छा। इतने डोंगी है, इतने डोंगी है, कोई ले नहीं जाता, पता भी नहीं चलता, पैरों तले आ जाते हैं। पाले हुए ना आपने? नहीं पाले नहीं। हाँ। बस ऐसे आके टिक जाते हैं, पता नहीं इधर खाना बहुत मिलता है, पता नहीं क्या। एक थी जब आई थी, अब तो बहुत बहुत हो गए हैं। अब तकरीबन दो ये डोंगी है ना मादिया, उनके मेरे ख्याल में 15-16 और हो चुके हैं। अच्छा। हाँ चले जी, बिस्मिल्लाह करें, खाना शुरू करें, खा लें। बुशरा बेटा नींद आ रही है, चीज ही खा ली है ना। हाँ देखो, आंखें भी लूट ले, इसको सुला दो। नहाया था ना उनको, बुशरा को नहलाया, इसीलिए उसको सुकून आ गया। हाँ। क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी ना, ठंडे हाँ पानी से नहाया है। हाँ जी। तो अब उसको नींद आ रही है। हाँ जी। मैंने कहा फातिमा को उसको जो है सुला दो, इंशाल्लाह। खाना अभी खाया है ना उन्होंने, चावल वगैरह? हाँ वो खाया है। अब नहीं खाएंगे बच्चे? नहीं, बच्चे लोग है ना, इतना नहीं खाते। हाँ हाँ जी। अच्छा, आपने भी नहा लिया? फ्रेश फ्रेश हो गई हो? अब खाना खाओगी? हाँ जी। बैठ जाओ। हाँ जी। कहाँ बैठोगी? इधर बैठ जाओ।
हाँ अब रोटी लेके खाओ, चिकन भी खाओ, मजे मजे के साथ खाओ। माशाल्लाह जी, तीन तीन पीस चिकन के, वो भी कटोरी में, और कंजीर देखे इनकी, वाह वाह। प्लास्टिक वाली है क्या है? हाँ ये तो वो है जिसको छाबी बोलते हैं आप, उसमें इसको रोटी देते हैं। आपको अच्छी लगती है? क्या इसमें रोटी मीठी हो जाती है क्या? नहीं। हाँ नमकीन हो जाती है। अच्छा चलो सही है। कैसा बना है आज का चिकन? बहुत अच्छा, खुशबूदार है। हाँ जी। करारा करारा। हाँ जी। हाँ राजा जी के खाओगी? हाँ जी। सही है, ज्यादा नहीं खाना, आपके सर में मल्ले है ना, चिकन कम खाया करो, चावल कम खाया करो, गरम चीजें कम खाया करो। हाँ जी। फिर जल्दी जल्दी ठीक हो जाओगी। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। हाँ वैसे खा लेना जितना तलब है, भूख हाँ तो नहीं मरना। हाँ जी। हाँ अभी जी ये देखें, आटा भी अभी इतना सारा बच्चा है और रोटियों का बड़ा बड़ा थंब लगा दिया है इसने, तो पता नहीं इतना रोटी पका रही है, आज सारी रात रोटी खाएंगे क्या? हाँ जैसे भूख लगे उठी उठी के खाना रात ही को। हाँ रात को। रात को तो बंदा सो जाता है, एक टाइम ही खाना खाना पड़ता है। अच्छा जी। तो कोई चार टाइम तो नहीं खाना पड़ता रात को। हाँ। चलो पकाना तो है, मैंने अभी खाया कोई नहीं है ना। अच्छा इसलिए आपको बहुत लग रही है। हाँ ये तो है। हाँ जब खाएंगे आप देखेंगे कैसे। चलो सही बच्ची रखी है। माशाल्लाह जी ये देखे, रोटी जो है सारी बना ली है इसने, आखिरी रोटी तवे के ऊपर रखी है इमिना जी। हाँ जी। अभी जो है शायद बेटे ने और आयशा ने खाना खा लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ये देखें रेडी बैठे हैं। अब तैयारी कर रहे हो? हाँ जी। घर जाने की? इधर सो जाओ। नहीं नहीं यहाँ लाइट नहीं है ना। हाँ लाइट तो ये बल रही है ना, हमारी जो लाइट है बल रही है। हम क्या करें, लाइट तो खत्म हो जाती है, हमारी नहीं खत्म हो जाती। हाँ वहाँ बिजली है ना हमारी। हाँ फिर वहाँ पे सुकून से नहीं। हाँ सही है, मच्छरों से पंखा भी चलता होगा। हाँ जी। हम तो वो मच्छरदानियाँ ले ली हैं, तकरीबन 11-12 हैं, एक एक चारपाई के ऊपर डाल देते हैं, फिर सब सुकून से सोते हैं। जो डीसी पंखे हैं बैटरी पर लगा देते हैं, जब वो मुक जाते हैं फिर भी मच्छरदानी में होते हैं ना। मच्छर तो नजदीक तो नहीं आते होंगे? नहीं, सुकून की नींद करते हैं, कमरे में सो रहे होते हैं। हाँ ताला लगा के सो जाते। चलें जी खाना रेडी है तो हमें भी खाना दो, हम भी खाना खाएं। तो यहाँ पर हम वीडियो का एंड कर रहे हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, बहन भाई जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।